बात सुने, मेरे बस में हो ना तो इंडिया में बम मार के फिनिश मार दो। आप इंडिया में बम मारेंगे? हम मरारखा नहीं है। अब मोदी जी वो आदमी पकड़ लिया थी, उनको छोड़ दे। ये हरामजदगी जी हुक्मरानों तो ऐसे बोलते हैं, जरा गद मारो गोली मार। आपको पता है दुनिया मक्का फाते मला यकीन है इस बात कर्मा कर्मा का पता है। अब जिस कर्मा की मैं बात कर रही हूँ, आप किसी की बेटी के साथ करोगे ना, आप 10 बुरखे पहना लो, 10,000 बुरखे पहना लो, घर लौट के आएगा लिखवा लो मेरे से। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। तो फिर यही बात है, आप अगर आप सही हो, आप सही हो, मर्द सही है, तो वो इस यकीन के साथ औरत को बाहर निकाले। यार मैंने किसी पे बुरी निगाह नहीं डाली, उस पे नहीं डाली। चेंज लाए औरत अपने में, चेंज लाए। बिल्कुल कर रहा है, तुम पाकिस्तानी नहीं है? नहीं, मैं पता नहीं लग रहा हूँ, हमारे दुश्मन मल गए, सब कुछ इंडिया कर रहा है। सर मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मुझे लॉजिक तो देना। क्यों इंडिया इंडिया कर रहे? दुनिया में तो और भी मल गए, आप लोग इंडिया। पहले आपने नाम लिया या मैंने? इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ इंडिया कर रहा है। इंडिया इंडिया का साजिश है, ठीक है? नहीं, पाकिस्तान रहेगा तो इंडिया भी रहेगा। पाकिस्तान टूटे टूटे हो गया ना, तो इंडिया को भी हम टूटे टूटे करके दिखाएंगे। जय हिंद दोस्तों। देखिए कर्नाटक के भाई सिर नीचे और पैर ऊपर भारत ने कर दिए हैं। जब पाकिस्तानियों से इसके बारे में पूछा जाता है कि भाई जो खालिस्तानी आतंकवादी था वो आरोप लगाया है भारत के ऊपर, तो पाकिस्तानी भाई तुरंत भड़क जाते हैं भाई, उनसे बाकी नहीं रहता, उनका खून खोल उठता है। तो जब पाकिस्तानी ये खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारे पाकिस्तान के अंदर शोएब भाई बोलते हैं ना, जैसे एक बाल्टी पानी भी गिर जाए तो वो भारत गिरा गया। वीडियो देखिए कैसे भारत को कोस रहे हैं। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में रखे। जय जवान जय श्री राम। वीडियो शुरू करते हैं। हम मरारखा नहीं है। अब मोदी जी वो आदमी पकड़ लिया थी, उनको छोड़ दे। ये हरामजदगी जी हुक्मरानों तो ऐसे बोलते हैं, जरा गद्दार गोली मार। सारी दाड़ी मीडिया जी ना कुत्ता तरह पहुंचती है, वो बम ने मार देता है। वो जंगल क्या गल चंगी है, और साडा चीफ कह रहे हैं बड़े फकर दाल। हमने उनका जहाज गिराना नहीं था, हमारी मजबूरी बन गई थी जहाज गिराना। ये क्या कह रहे हैं, मीडिया गल है। ताकतवर हो जाते ऐसे, तो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं ना वो। नहीं तो मीडिया गल है, जी मैं गल गई, एक लफ्ज़ गलत हो गया मैं कौन ला देंगा। उर्दू में बात करें ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझने के लिए। पूरी दुनिया में बात करूंगा मैं, पंजाबी को पंजाबी में बात करूंगा। अच्छा हाँ जी, आप मुझे एक बात बताएं, कुत्ते का काम है। सही हो गया, इनकी बात से आखिरी करते हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मोदी को बुरा भला कहने से यहाँ पर मैं भी 4 गालियाँ दूंगा तो इससे कोई फर्क पड़ेगा उन्हें? किस तरह से ये बात कर रहे थे, तो तंज करना, किसी पर अंगुली उठाना, चारा पर तरफ होती वो अच्छी बात नहीं, किसी को तंज नहीं करना चाहिए। ये सबसे पहले ना हमारे पीछे अमेरिका और इंडिया, ये दोनों हमारे पीछे की पड़ी हुई है, ठीक है सर? देखें ये हमें शुरू से बताया जाता है कि हम मतलब पाकिस्तान में जो भी गलत होता है वो अमेरिका करवा रहा है, वो भारत करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है। वो बिल्कुल कर रहा है, तुम पाकिस्तानी नहीं है? नहीं, मैं पता नहीं लग रहा हूँ, हमारे दुश्मन मल गए, सब कुछ इंडिया कर रहा है। सर मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मुझे लॉजिक तो देना। क्यों इंडिया इंडिया कर रहा है? दुनिया में तो और भी मल गए, आप लोग इंडिया। पहले आपने नाम लिया या मैंने? आपने कहा कि मैंने, आपने बोला कि कौन कर रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये इंडिया कर रहा है। मैंने भी सवाल ही किया था, इंडिया ने अमेरिका डॉलर लगा रहा है, सारे साजिश इंडिया और अमेरिका का है। चले आपने बोल दिया, आप देखो अफगानिस्तान लोगों को, मुझे भी मौका देना। आपने बोला आपको बोलने का हक है, लेकिन मुझे भी सवाल करने का हक है। आपने जैसे इल्जाम लगाया या बोला कि इंडिया करवा रहा है, मैंने पूछा कैसे करवा रहा है, बस तो करें ताकि हम दिखाएं ना दुनिया को कि भाई हाँ ये ऐसे करवा रहा है, बताएं। सही बात है, कर रहा है। ये आपको पता है कि हमारा ना इंडिया दुश्मन मुल्क है, ठीक है? वो कभी भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं करेगा, बुरा ही करेगा। यही साजिश है जो अफगानिस्तान में ना ये जो बॉर्डर पे हो रहा है, ठीक है? ये सब कुछ वही कर रहा है, हमारे पीछे इंडिया और अमेरिका पड़ा हुआ है। अच्छा क्या वजह, क्या समझते हैं, क्या उन्हें क्या मिलेगा? दूसरे भी कंट्री है, वो तो मुल्क है जिस तरह पहले इराक और ये जो खत्म कर दिया वो तो तोड़ना चाहता है, ठीक है? वो उसका तो ये मकसद है कि ये टूटे खत्म हो जाए, टूटे टूटे हो जाए, उनका तो यही मकसद है। इसमें जो अगर पाकिस्तान की जो आज बुरी हालत है भाईजान, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सारी अमेरिका की गलती नहीं, ये इंडिया और अमेरिका ही कर रहा है सब कुछ। वाह मेरे दोस्त। हेलो सर, उसमें कैसे कर रहे हैं आप? वो हमारा दुश्मन है, शुरू से ही दुश्मन। आप लोगों ने इंडिया का नाम बार बार लेकर ना हमारा ना प्रेशर हाई हो जाता है। अच्छा, इंडिया का नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है? इंडिया का क्या औकात है? हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है, ठीक है? थोड़ा सा बुरा वक्त आया हुआ है, ठीक है? अभी थोड़ा सब्र करो, हम सबको सब कुछ दिखा कर हम इंशाल्लाह इनको अच्छा वक्त दिखाएंगे। अच्छा वक्त आ रहा है, बस थोड़ा सा वक्त है। अच्छा आ जाएगा, अच्छा अच्छा। पहले नंबर पे तो चलो मैं भी यही चाहता हूँ, अच्छा वक्त आए, नो डाउट पाकिस्तान का बेहतर वक्त आया, मैं खुद एज ए पाकिस्तानी ये चाहता हूँ, लेकिन हम इसमें सिर्फ इतना कहे ना कि यार हमारे पे बुरा वक्त आया, अच्छा वक्त आएगा, इतना कहे। ये बीच में जब डाल देते हैं अमेरिका की वजह से बुरा वक्त आया इंडिया, अभी आपको पता है डॉलर हम अमेरिका से लेते हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये बुरा वक्त जो है ना, बुरा वक्त इस वजह से आया हुआ है कि इंडिया अमेरिका को बोल रहा है, अमेरिका ने
डॉलर लगा रहे हैं, हमारे चोर खरीद रहे हैं। ठीक है, यानी चोर तो हमारे में है। हाँ, हम तो चोर है इसलिए मुल्क हालात खराब है। ठीक है, यानी चोरों ने खराब किया हुआ है ना। आप क्या कहेंगे? हमारी अपनी गलती है, इंसान खुद मौका देता है। आप इधर आए भाई, इधर आए। अमेरिका की और इंडिया की ऐसी की तैसी। अच्छा, हम खुद गलत है, हमारे सरबड़ा गलत है। ये देखें, इनकी बात समझ में आती है। जब मौका देते हैं, कर्जा लेते हैं, मोहताज होते हैं। ठीक है, सारी वाम का मोहताज किया उनका। ठीक है, हम ना जाए कर्जा लेने के नीचे, हम कर्जा लेने ना जाए। बिल्कुल, वो कोई हमें पैगाम तो नहीं देते, हमसे कर्जा लो। क्या खान साहब, आप भाई जान आप क्या कहेंगे? ये यहाँ पे अगर ये जो बात कर दी जाए कि भाई अमेरिका करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है, ये करवा रहा है। मेरी बात सुनो, हमारे इलाके इंडिया जिम्मेवार है। ठीक है, ये तो इंडिया कर लाओ, उसको भी डुबो देंगे। कैसे डुबो देंगे? वो हम तो ऐसे भी नहीं, हमारा उसका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान को टोटे टोटे करके वो ऐसे रहेगा, वो सुपर मुल्क बन जाएगा। अच्छा, इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ इंडिया कर रहा है, इंडिया का साजिश है। ठीक है, नहीं पाकिस्तान रहेगा तो इंडिया भी रहेगा, पाकिस्तान टोटे टोटे हो गया ना तो इंडिया को भी हम टोटे टोटे करके दिखाएंगे। आप क्या कहेंगे? ये जैसे भाईजान बात कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अच्छा, पाकिस्तान का आवाम अंधा नहीं है, पाकिस्तान का आवाम पागल नहीं है, पाकिस्तान का आवाम जो है बिल्कुल। अगर पाकिस्तान का आवाम अंधा नहीं है, पागल नहीं है, तो फिर आज पाकिस्तान इस हालत में क्यों पहुंच गया? यह है कि हमारे कुमरान इस तरह है, हमारे कुमरान की वजह से, कुमरान की वजह से हम आज जो डूब रहे हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर हम लोग अपने कुमरान को समझाएं और अपने आवाम को सही कर दे तो हम सीधे रास्ते पे चल सकते हैं। इंडिया हमारा क्या करेगा, अमरीका हमारा क्या करेगा? हम एक पावरफुल मुल्क है और हमारा मुल्क हर जगह में माशाल्लाह जिए, पाकिस्तान का जिएगा और हमेशा जीते रहेगा। ठीक है, नहीं नारा तो मैं भी लगा देता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। अमल की है, अमल की बात है, प्रैक्टिकल की बात है। यही बात है, खाली नारा लगाने से आप भी लगा दे नारा, आप भी लगा दे जो आप लगाए। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ठीक है, तो इंडिया ने इंडिया की न इंडिया को बीच में क्यों ले आते हैं आप लोग? मीडिया वाला इंडिया, इंडिया का नाम नहीं लेना। अच्छा, इंडिया का नाम लेना नहीं है? नहीं लेना है। अच्छा, वो हमारे दुश्मन मल के, उसके साथ हमारा बंद नहीं है। ये सारा कुछ, ये जो ये करप्शन, ये सारा कुछ हालात हमारा पाकिस्तान में खराब है, ये इंडिया ने खराब किया। आपको बताऊं, अगर आज हम यही अपनी सोच को चेंज कर लें, उल्ट कर लें, पॉजिटिव कर लें, तो आपको पता है हम अपने रिलेशन अगर उनके साथ बेहतर कर लेते हैं तो हम शायद वो हमें अपना हमारी हेल्प करके आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, वो इस तरह भी हो सकता है। पहले पाकिस्तान, पहले मेरी बात सुनो, नहीं सबसे पहले कश्मीर का जो है ना, कश्मीर का मसला हल करे। ठीक है, फिर हम उसके साथ। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये गैर मुस्लिम है, हाँ, इनके साथ हम जितना मर्जी अच्छा सलूक कर लें, ये हमारे नहीं बनेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली भैया, वीडियो यहीं तक थी। देखिए पाकिस्तानी हमारे पड़ोसी कितना एक तरह से भैया एंटरटेनमेंट के लिए बच चुके हैं अभी वैसे बात करें तो, क्योंकि फैक्ट के ऊपर। और जो देखिए भारत को अपनी तरक्की इतनी करने लग रहा है कि भारत को भाई पहली बात तो टाइम ही नहीं है जो कि आपके देश के बारे में सोचे, और आपके देश के बारे में सोच कर मिलेगा भी क्या? आप लोग ये बता दें कि भाई भारत पाकिस्तान के अंदर कुछ करवाता है तो उससे भारत को मिलने वाला क्या है? आप लोगों ने देखो कहा तो सुनी होगी कि भाई दीवार में सिर मारने से अपना सिर फूट जाता है, तो ऐसे ही भारत अगर पाकिस्तान में कुछ कराएगा तो अपना नुकसान कराएगा भारत, हमें क्या फायदा है? अगर देखिए पाकिस्तानी है जो मेन इनकी भाई जो जड़ है वो ठीक नहीं है, उसमें दीमक लग चुकी है, तो ये पाकिस्तानी नामक पेड़ है, ये एक तरह से भाई गिरने वाला हो रहा है। तो पाकिस्तानियों को जब भी भाई गुस्सा आता है दो ही चीज़ बोल देते हैं, कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, भारत के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है। कल ही मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई थी 1984 में एक पाकिस्तानी भारत आया था, अब 2023 में जाकर उसने स्थिति बताई है कि भारत 1984 में भी मुसलमान है जो मौज कर रहे थे, और अभी तो 2023 है, यानी कि अभी भाई टेक्नोलॉजी का दौर है। अब तो भाई आप लोग वीडियो कॉल से भी देख सकते हैं, आप देखो माय फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया भी पाकिस्तानियों ने पीछे मुहिम चलाई थी, उसमें भी सभी मुस्लिम से ने बात किया है, और भाई हम तो इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ पे सब चंगा भला सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है, आप अपनी टेंशन करें, हमारे देश के नाम ले लेकर ऐसे अपना रोना धोना और अपनी राजनीति न चमकाए। आप लोग क्या रकम से जय जवाहर जैसे।